हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीज फूड स्टेशन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक आइसक्रीम की रेसिपी। समर सीज़न आते ही हम सभी को आइसक्रीम खाने का बहुत मन करता है, और ये देखिए, ये आइसक्रीम की जो रेसिपी है, शुगर फ्री आइसक्रीम है, और इसे आप बहुत आसानी से घर पर बना लेंगे, वो भी बस कुछ ही चीज़ों के साथ। और ये देखिए कितनी क्रीमी बनी है ये आइसक्रीम। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो हमें चाहिए होगा इसके लिए डेट्स, ये बिना बीज वाले खजूर हैं जिन्हें सीडलेस डेट्स भी कहते हैं। अगर ये ना हो तो आप नॉर्मल जो खजूर होते हैं उनके बीज अलग कर लीजिए। अब दूसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए काजू। अब हमें क्या करना है, ये जो डेट्स हैं इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि हम इसे सोक करेंगे। तो डेट्स की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं अगर आपको कम मीठी आइसक्रीम पसंद हो, बट काजू की क्वांटिटी आपको सेम रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसी से हमारी आइसक्रीम क्रीमी बनेगी। तो अब हमें क्या करना है, हल्का गुनगुना पानी ले लेना है और इन दोनों चीज़ों को हमें भिगा देना है। तो इसे आप आधे से एक घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दीजिए। तो एक घंटे बाद हम चेक करेंगे कि ये सोक हो गए हैं या नहीं। ये देखिए हमारे काजू जो हैं अच्छे से फूल गए हैं, और इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है अब, और डेट्स भी हमारे एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक मिक्सर ग्राइंडर जार ले लेना है। तो उसमें हम डाल देंगे हमारे सोक किए हुए काजू, पर इसका हमें पानी नहीं डालना है, सिर्फ काजू ही हम यूज़ करेंगे। पानी आप गिरा दीजिए। ये शुगर फ्री आइसक्रीम है, जो ये बनाने में तो बहुत आसान है, लेकिन खाने में इसका टेस्ट एकदम आइसक्रीम जैसा ही आपको लगेगा, और हेल्दी तो ये है ही। तो आप इसे बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हमने क्या किया है, काजू सारे हमने ट्रांसफ़र कर लिए हैं जार में। अब हम ले लेंगे डेट्स। तो डेट्स को आप पानी के साथ भी डाल सकते हैं, और पानी से अलग करके भी। अगर आपको ज़्यादा मिठास नहीं चाहिए आइसक्रीम में तो इसका पानी आप हटा दीजिए। मैंने यहाँ पर पानी के साथ ही इसे डाला है। तो अब हम इसमें डाल देंगे दूध। तो ये नॉर्मल उबला हुआ ठंडा दूध है, तो थोड़ा सा दूध हम डालेंगे पहले। एक साथ सारा दूध हमें नहीं डालना है, वरना जो दूध है वो बाहर निकल सकता है मिक्सर चलाते समय। तो ये देखिए थोड़ा सा हम इसे पहले ग्राइंड कर लेंगे। अब हम बाकी का जो बचा हुआ दूध है वो भी डाल देंगे। तो दूध यहाँ पर मैंने लगभग 200 ml यूज़ किया है। तो अब फोर्थ इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, वो है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ना हो तो आप इस तरह का डेरी वाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो छोटा वाला पैकेट होता है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। तो ऐसे हमें दो पैकेट यूज़ करने हैं, 20 ग्राम का एक पैकेट होता है। तो ये दो पैकेट हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। अब हम इसे एक बार फिर से चर्न कर लेंगे मिक्सी में। तो बस लीजिए, तैयार है हमारा आइसक्रीम का बेस। बहुत ही क्रीमी बना है ये। अगर मिल्क पाउडर आपके पास ना हो तो आप घर के दूध की मलाई या फिर थोड़ी सी अमूल क्रीम भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक कंटेनर में। तो आप भी कोई भी कंटेनर जो आपके घर में हो उसमें आप इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसे हमें अभी सेट करने के लिए रखना है। तो इसे हम ऊपर से फॉइल पेपर से रैप कर लेंगे। आप चाहे तो क्लिंग रैप से भी इसे रैप कर सकते हैं। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा करने से इसमें जो आइस के क्रिस्टल बनते हैं वो नहीं बनेंगे। तो अब हम इसे रख देंगे फ्रीज़र में सेट होने के लिए कम से कम 6 घंटे के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसे 4 घंटे में ही निकाल दिया है। ये देखिए, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आइसक्रीम हमारी सेट हुई है या नहीं। तो आइसक्रीम हमारी सेट हो चुकी है। तो अब मैं इसे आपको स्कूप करके दिखाती हूँ। आप चाहे तो 6 से 7 घंटे या फिर पूरी रात के लिए इसे सेट कर दीजिए, तो ये और अच्छे से सेट हो जाएगी। तो ये लीजिए, हमारी क्रीमी शुगर फ्री आइसक्रीम बनकर रेडी है। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। और रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं थोड़े से बादाम के फ्लेक्स और पिस्ता के। तो अब हमारी आइसक्रीम एकदम रेडी है खाने के लिए, और देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी क्रीमी बनी है। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से ये आइसक्रीम बनी है, बट यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, और शुगर फ्री तो है ही। तो चलिए, अब मिलती हूँ जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, इन्जॉय।